हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में आज हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है, क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन बाय फिलिंग द आइसक्रीम कोन्स ऑफ रेडियस एंड हाइट अप टू इट्स ब्रिम। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन्स? ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे मैं बार बार रिपीट करता हूं कि कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ समथिंग निकालना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स निकालना है, सो नंबर ऑफ समथिंग फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला। हमेशा और हमेशा हम यही यूज करते हैं, बिगर अपॉन स्मॉलर, मतलब बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला गया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब डिपेंड करता है कि यहां क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बिगर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू डिफाइन करेंगे। नाउ यहां बात चल रही है हमारे पास कि हमारे पास एक आइसक्रीम ब्रेक है। आइसक्रीम ब्रेक बेसिकली क्यूब, आप इमेजिन करो इस तरीके से, एक इस तरीके का आइसक्रीम ब्रेक है। इसको चेंज करना है हम लोगों ने किसमें, छोटे छोटे कोन्स की आइसक्रीम, ऐसे छोटे छोटे कोन्स की आइसक्रीम, कोन्स में हम लोगों ने आइसक्रीम को फिल करना है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एक आइसक्रीम ब्रिक से दूसरे कोन्स में सब्स्टिट्यूट, मतलब उसको प्लेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन वॉल्यूम पे बेस्ड है, राइट? ये क्वेश्चन वॉल्यूम बेस्ड है, तो यहां पे आप क्या कहेंगे, बिगर वॉल्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बिगर अपॉन स्मॉलर, याद रखो हमेशा जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना है। अब ये क्वेश्चन से डिफाइन कर लो कि बिगर बात किस चीज की चल रही है, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से एक दूसरे सॉलिड में, तो दैट मींस वॉल्यूम की बात चल रही होगी, तो बिगर वॉल्यूम को स्मॉलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ आ रहा होगा बिगर वॉल्यूम है किस चीज का, ऑब्वियसली आइसक्रीम ब्रिक का, और छोटा वॉल्यूम किस चीज का है, कोन का। अब एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, गिवन वगैरह मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। नंबर ऑफ समथिंग निकालने के लिए, नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से, जो कि हमारा क्या है, आइसक्रीम ब्रिक है, वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड करना पड़ेगा, आई मीन क्यूब को कोन से डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, और कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अपॉन का 3 हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, राइट? ये समझ आया आप लोगों को, और 1 को भी यहां से मैं डिलीट कर देता हूं। अच्छा, क्योंकि अपॉन में 3 था तो उसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। सिंपली वैल्यू को सॉल्व करते हैं यहां पे, ए कितना है हमारा, ए इज एज एज की 22, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल अपॉन, पाई का वैल्यू इज 22/7, और 7 भी हमारा ऊपर चला गया, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट 7 को ऊपर लेके चला गया। ठीक है, नाउ आर हमारा कितना दिया है, 2, तो दैट मींस 2 × 2, और हाइट हमारी गिवन है 7, करेक्ट है? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? सिंपली इसको कैंसिल करो, 7 को 7 के साथ, 22 को 22 के साथ, 2 को 11 के साथ, और 2 को अगेन 11 के साथ। नाउ उसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले 11 एंड 11 को मत करो, 11 × 3 इज 33, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 कॉपी करो, 3 + 3 = 6 एंड 3, सो दीज मेनी नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड इस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ अब जिसको ये समझ नहीं आया कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक एक्सप्लेन की है कैसे आप बहुत मुश्किल सवालों को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा, पसंद समझ आया सभी लोगों को, तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मैथ्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, हमारा एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, ask.truemaths.com, उस पर जाइए, मैथ्स से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे सर्च कर लीजिए, ऑलरेडी आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप वहां पे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हमेशा रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।